हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ठंड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे देहरादून में। आई थिंक आपके पास भी ठंड जो है थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई होगी। तो इस टाइम पे जो है केयरलेसनेस नहीं दिखानी है। हम नॉर्मली हमको लगता है कि ठंड अभी हल्की हल्की है, हमको पता नहीं चलता है और हम ऐसे ही निकल जाते हैं और हमको कोल्ड फीवर ये सब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर हल्की भी ठंड हो रही है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके कवर करके रखिए ताकि जो है आपको ठंड ना लग जाए। ठीक है, तो अपने आप को बचाइए और एक्सरसाइज करते रहिए। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, जैसे कि हॉट पैक लेना चाहिए या कोल्ड पैक, कौन सा बेनिफिट ज़्यादा करता है। ठीक है, कोल्ड पैक हॉट पैक लेना है तो कितनी देर लेना है, हमारे पास हॉट पैक नहीं है जो आप देते हैं तो हम घर पे कैसे करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको जो है कोल्ड पैक के बारे में बताऊँगी। जी हाँ, कोल्ड पैक भी होता है। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कोल्ड पैक भी कुछ होता है। तो मैं जो है आज आपको कोल्ड पैक कोल्ड थेरेपी जो है उसके बारे में बताऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको हॉट पैक के बारे में बताऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करिएगा। ठीक है, तो कोल्ड पैक जो है हमारा, यानी कि कोल्ड थेरेपी जो है, तो नॉर्मली इसको हम कहीं पे भी कोल्ड पैक मिल जाता है, हमारा हॉट पैक की तरह ही होता है वो आप केमिस्ट शॉप पे जाके ले सकते हैं। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है वो, बहुत मतलब कम रेट में मिल जाता है, आराम से उसको खरीद सकते हैं किसी भी केमिस्ट के पास से। और अगर आपके केमिस्ट के पास नहीं होता है, अगर आपको नहीं मिलता है कहीं पे कोल्ड पैक, तो आप क्या करिए कि किसी भी बैग में या कपड़े में जो है आइस क्यूब्स जो है उनको रख के उससे फिर लीजिए। ठीक है, बट डायरेक्ट एक चीज़ ध्यान रखिए कि डायरेक्ट नहीं लेना है। इनफैक्ट आप जो हॉट पैक मार्केट से खरीद रहे हैं ना, उसको भी डायरेक्ट नहीं लेना है, उसके सॉरी कोल्ड पैक, हाँ जो कोल्ड पैक आप मार्केट से भी लेते हैं उसको लेके आप फ्रीजर में रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसको निकालिए, उसके ऊपर एक टॉवल या फिर कोई कपड़ा कुछ भी उससे रैप कर दीजिए और उसके बाद से यूज़ करिए, डायरेक्ट यूज़ मत करिए। उसी तरीके से अगर आपके को कोल्ड पैक नहीं मिलता है तो आप जो है आइस क्यूब्स लीजिए, आइस क्यूब्स को एक बैग में कोई या कपड़ा जो है टॉवल है कोई मोटा उसके अंदर रखिए और उसके बाद से उसको रैप करके उसके बाद यूज़ करिए, डायरेक्ट जो है आइस को यूज़ मत करिए। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ करने से क्या होता है, बेसिकली हमारे आइस बर्न्स जो है कोल्ड से बर्न जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि कोल्ड से बर्न कैसे होता है, तो नहीं, कोल्ड से भी बर्न होता है। आपने सुना होगा अगर फ्रॉस्ट बाइट, तो फ्रॉस्ट बाइट होता है सुना है आपने, बहुत ठंडी जगह पे या बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, आपका कोई ओपन एरिया होता है तो उसमें बर्न हो जाता है। तो ठंड से भी जो है बर्न होता है, इसलिए जो है आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, उससे बचना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कोल्ड पैक आपको कब कब लेना चाहिए। तो जब हमें नॉर्मली कोई इंजरी होती है, एक्यूट फेज में होती है, हमारा कोई एंकल ट्विस्ट हो गया, स्प्रेन आ गया, या फिर चलते चलते घुटने में चोट लग गई, या फिर कोई सामान हमारे हाथ पे गिर गया, या कई बार होता है कि गेट के बीच में हमारा हाथ दब जाता है या किसी हैवी चीज़ से हमको लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो उस टाइम पे जो एक्यूट फेज होता है उस टाइम पे हम कोल्ड पैक लेते हैं। तो ये जो एक्यूट फेज होता है ये नॉर्मली हमारा 48 आवर्स तक होता है, जब आपको इंजरी हुई है उस टाइम से लेकर के 48 आवर्स जो है तब तक के लिए हमारा ये एक्यूट फेज नॉर्मली होता है। कुछ लोग कई बार जो है वो एक्यूट फेज ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और कई बार जो है थोड़ा कम भी हो जाता है। तो अगर आप चेक करना चाहें कि आपका एक्यूट फेज में अभी है कि नहीं है इंजरी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया पे या तो रेडनेस होगी नॉर्मल, अगर आप कंपेयर करेंगे कि आपका आपको अगर यहाँ चोट लगी है तो आप बाकी एरिया से देखेंगे तो ये एरिया आपको थोड़ा रेड ज़्यादा मिलेगा, या फिर इस जगह पे आपको स्वेलिंग मिलेगी, है ना। अगर वो भी नहीं है तो आप एक बार टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, आप अपने हाथ से फील करिए जहाँ पे आपको इंजरी हुई है वो एरिया टच करिए और जो नॉर्मल एरिया है उसको छूइए, उन दोनों में देखिए कोई टेम्परेचर डिफरेंस तो नहीं है। नॉर्मली एक्यूट फेज में क्या होता है कि जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है आप पता कर सकते हैं कि आपकी इंजरी जो है अभी एक्यूट फेज में है या नहीं है। तो एक्यूट फेज में हम जो है कोल्ड पैक देते हैं, हॉट पैक नहीं, ठीक है। अगर यानी कि अगर आपको अचानक चोट लग जाती है तो स्टार्टिंग के 48 आवर्स तक जो है आप कोल्ड पैक लीजिए, हॉट पैक नहीं।
उसका रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे पेन होता है कि और फेस में साथ में थोड़ी स्वेलिंग होती है, जिसे हम एडिमा भी बोलते हैं, स्वेलिंग होती है। तो जब हम हॉट पैक लेते हैं, कोई भी हीट थेरेपी लेते हैं, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स को डाइलेट कर देता है, यानी कि उसको चौड़ा कर देता है। आप समझिए कि एक पाइप है, ब्लड वेसल्स हमारी पाइप की जैसी हैं, उनको जब हमने हीट थेरेपी दी तो पाइप थोड़ा मुंह का मुंह बड़ा हो गया, तो ज्यादा ब्लड जो है उसमें से अब निकल पाएगा, है ना। तो उसमें उसके थ्रू ज्यादा ब्लड जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उस जगह पे ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से उस जगह का एडिमा यानी कि स्वेलिंग जो है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब उल्टा क्या करता है कि आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट यानी कि उसका जो डायमीटर है, जो चौड़ाई है, उसको कम कर देता है। इससे क्या होता है कि उस एरिया का ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है और उस एरिया पे स्वेलिंग नहीं होती। तो एक्यूट जो फेज है उस टाइम पे जो है हम कोल्ड पैक देते हैं। कोल्ड पैक जो है वो हमारा पेन भी कम करता है, पेन रिलीफ में भी बेनिफिट देता है, और उस टाइम पे हमारा जो है स्वेलिंग भी कम करता है। तो अगर सडनली आपको चोट लग जाती है कोई, तो आप या इनफैक्ट अगर आपका कोई एक्सीडेंट भी होता है, और मतलब ओपन नहीं है, ओपन वुंड नहीं है, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उस जगह पे पेन जहां हो रहा है उस जगह पे कोल्ड थेरेपी दीजिए। उससे आपका पेन भी कम होगा और आपका स्वेलिंग भी कम होगी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये तो एक टाइम हो गया जब आपको कोल्ड पैक देना है। इसके बाद से आप कोल्ड पैक देते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद से हमारा कई बार पेन होता है ना, जब हम कोई जैसे सपोज करिए आपका फ्रोजन शोल्डर है, या और कोई आपने बैक पेन की एक्सरसाइज की है, घुटने के लिए आपने एक्सरसाइज की है, और एक्सरसाइज करने के बाद से आपको दर्द हो रहा है, जब आप एक्सरसाइज करके रुके उसके बाद से आपको पेन होने लगा, तो उस टाइम पे जो है आपको कोल्ड पैक लेना चाहिए, हॉट पैक नहीं। जो इसका थियोरी है वो सेम है कि उस टाइम पे ऑलरेडी आपने एक्सरसाइज की है, तो उस टाइम पे आपका ब्लड फ्लो ऑलरेडी उस एरिया का बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए मसल्स को जो है ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट यानी कि बड़ी होती है, ताकि वहां से ज्यादा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके आ सके। तो ऑलरेडी उस एरिया का ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे पेन जब होता है तो हम कोल्ड पैक देते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज करने से पहले जो है आपको हॉट पैक यूज़ करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको पेन हो रहा है, सोरनेस हो रही है, फटीग हो रहा है, तो उसके लिए आप कोल्ड पैक लीजिए, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि कोल्ड पैक जो है वो कब कब लेना है। अब है कि कोल्ड पैक कब कब नहीं लेना है। तो नॉर्मली जब आपकी जो इंजरी है वो एक एक्यूट फेज से बाहर चली जाती है आपकी, थोड़ा मतलब आपका एक्यूट जो एक्यूट एकदम से सिम्टम्स है उसके, यानी कि रेडनेस मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया पेन होता है, मैंने आपको बताया स्वेलिंग हो जाती है, तो ये सारी चीजें जब कम हो जाती हैं, सबसाइड हो जाती हैं, तो उसके बाद से हम कोल्ड पैक नहीं लेते हैं, उसके बाद से फिर हम दूसरे ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो एक तो उस टाइम पे, उसके बाद से आप एक्यूट फेज खत्म होने के बाद से आप कोल्ड पैक छोड़ सकते हैं। सेकेंडली, अगर कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि, या अगर आपको कभी फील हुआ हो कि ठंड में जो है कुछ लोगों के फिंगर्स में, स्पेशली हाथ की फिंगर्स में या पाँव की फिंगर्स में उनके पेन बढ़ जाता है, ठंडा पानी, ठंड के टाइम में ठंडा पानी का जैसे ही छूते हैं उनका पेन बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ऐसे ठंड से। तो अगर आपको ठंड से ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिससे कि ठंड में आपको कोई एलर्जी हो जाती है, या फिर ठंड से आपके ऑलरेडी फिंगर्स में जो है पेन जो है इंक्रीज हो जाता है, तो आप लोग जो है अवॉइड करिए कोल्ड पैक लेना, क्योंकि कोल्ड पैक लेने से फिर क्या होगा कि आपका और ज़्यादा मतलब वो ठंडे वाला फेज आएगा और आपका फिर पेन बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप उस टाइम पे जो है अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई ओपन वुंड है, मतलब कि आपको चोट लगी है और साथ में आपका ऐसा चोट लगी है कि इंजरी मतलब ओपन हो गया है, आपकी ऊपर की स्किन जो है उस पे इंजरी हो गई, आपको अंदर का दिख रहा है, तो उस टाइम ब्लड निकल रहा है, उस टाइम पे आप इमिडिएटली कोल्ड पैक नहीं लीजिए, ओपन वुंड के ऊपर मत लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो लोग एल्डरली होते हैं, बूढ़े होते हैं, या फिर और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं और कुछ लोगों को, जिसमें क्या होता है कि उनके सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं, उनके सेंसेशंस बहुत कम हो जाते हैं, तो
अगर सपोज करिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चल रहा है कि ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है, आप तो उन लोगों को जो है अवॉइड करना चाहिए कोल्ड पैक लेने का, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनको फील नहीं होगा कि उनका ज़्यादा ठंडा हो गया, उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि सेंसेशंस उनकी ख़राब हैं और उनको बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आप आंखें बंद कर लीजिए, जिस पेशेंट को आपको देना है, जिस इंसान को, तो उसकी आंखें बंद करवा के अगर आपको डाउट है कि उसके में सेंसरी लॉस हो सकता है, तो उसकी आंखें बंद करवा के आप उसकी बॉडी पार्ट्स पे टच करवाइए कुछ ठंडा, यानी कि ठंडे के लिए अभी आजकल ठंडा मौसम है, कोई स्टील का किसी चीज़ का स्पून या कुछ टच करा दीजिए, कुछ ऐसे ही गर्म, मतलब गर्म से आप बहुत गर्म मत कराइएगा, एक बेरेबल वार्म ल्यू वार्म टाइप का गुनगुना पानी या ऐसा कुछ जो हो हल्का गर्म ऐसा टच करा के देखिए, और फिर पूछिए उस इंसान से कि उनको समझ आ रहा है डिफरेंस कि नहीं आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि नहीं कि ये ठंडा है ये गर्म है। अगर उनको समझ आ जाता है तो जो है उनको आप दीजिए, और लेकिन साथ में जो है बार बार चेक करते रहिए, हर 5 मिनट पे आप चाहें तो देख सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस जो आपको अवॉइड करनी है, और मैंने आपको बताया कि एक्यूट फेज में जो है और एक्सरसाइज करने के बाद से जो है आप कोल्ड पैक जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई कोल्ड पैक, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी हॉट पैक के बारे में या हीट थेरेपी, नॉट ओनली हॉट पैक, हीट थेरेपी हमारे बहुत तरीके की होती है, उसमें से एक पार्ट है हॉट पैक, तो मैं आपको सारी हीट थेरेपी या हीट मोडालिटीज जो हमारी यूज होती है फिजियोथेरेपी में उसके बारे में बताऊंगी कि आपको कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेरा आज का वीडियो, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का जब मैं आपको हॉट पैक के बारे में बताती हूँ। तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और अभी जाइए और जाके कोल्ड पैक खरीद के लाइए और फ्रिज में रख दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।